सभी वरिष्ठ नेतागण, सेन समाज के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल जी सेन, नगर के अध्यक्ष श्री मुकेश जी सेन, वरिष्ठ सहयोगी श्री विष्णु प्रसाद जी सेन, सम्मानी डॉक्टर साहब, सम्मानी ओम प्रकाश जी सेन, सम्मानी प्रेम जी सेन, सम्मानी मांगीलाल जी सेन, सम्मानी बद्री प्रसाद जी सेन एवं समस्त सेन समाज बंधुओं, आज आप सबने हमारी पूरी परिषद का स्वागत सम्मान रखा, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और गोपाल भी अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि लेने के लिए बुलाया ही नहीं है और दादा कह रहा देना है ही नहीं, क्योंकि आप कुछ मांग रखे उसके पहले ये परिषद आपके दो महत्वपूर्ण काम के प्रस्ताव पारित कर चुकी है और उन पे अतिशीघ्र आप जब कहेंगे उसके एक दो महीने में हम काम भी स्टार्ट करने की स्थिति में रहेंगे। फिर भी आप सब लोग समय समय पर जैसा आदेश इस परिषद को देंगे, ये परिषद अपने कार्यकाल में उस आदेश को पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। मैं भी व्यक्तिगत रूप से जैसा आप लोगों का आदेश होगा, मेरी अपनी ओर से, मेरे परिवार ओर से सहयोग करने का परिषद की ओर से भी सहयोग करूंगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि स्थान अभी पछोर के आने वाले 10 सालों में महत्वपूर्ण स्थिति इस मार्ग की रहेगी। संभवतः मैं समझता हूँ नया पछोर कहते हैं ना, पुरन पछोर उधर थी, नया पछोर इधर बसा है, अब उसके बाद का नया पछोर इसी स्थान के पास में बसेगा, ये हम सबको लगता है। तो आपने एक अच्छे स्थान का चयन किया, इसके लिए भी आप बधाई। और अतिशीघ्र जब भी आप काम प्रारंभ करें, परिषद को एक बार कह दें हम काम प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम जो हमारी तरफ से जो प्रस्ताव हमने पारित किए हैं वो काम की शुरुआत भी हम यहाँ करने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूरे परिषद का अध्यक्ष महोदय जी का, आदरणीय हमारे दामोदी भाई साहब, भगवान सिंह जी भाई साहब, आप सबने जो समय दिया है, सचमुच मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग यही रहे, हम हमारे अतिथियों को जाना है तो कृपया करके उनको भोजन करा करके जाए, फिर हमारी मीटिंग की शुरुआत और हमारे वरिष्ठ जनों का भी हम सम्मान सामाजिक लोगों का भी करेंगे। सभी अतिथियों से निवेदन है आप भोजन करें और हमारे दो चार लोग खड़े हो जाए कृपया करके, और हमारे